press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज केंद्रीय कारागृह में विधिक सेवा केंद्र डिजिटाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके जरिए बंदियों से जुड़े सभी तरह के आंकड़े मिल सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज अशोक कुमार व्यास द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार मिश्रा, प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलथूरिया और जिला कारागृह के अधीक्षक सुरेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। विधिक सेवा केंद्र के डिजिटाइजेशन के माध्यम से कैदियों की नियमित तारीख, पेशी, संबंधित अधिवक्ता आदि जानकारियां दर्ज की जाएगी। इस तरह से बंदियों का नवीनतम डेटा ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जिला कारागृह के चिकित्सक डॉक्टर ओपी गुप्ता, जेलर अशोक भारद्वाज, मुक्ति यदुवंशी और हाकम सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा आज केंद्रीय कारागृह अलवर के अंदर स्थित विधिक सेवा केंद्र का डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम हमने माननीय जिला सत्य न्यायाधीश महोदय श्रीमान अशोक कुमार जी व्यास के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर माननीय अशोक कुमार जी व्यास जिला सत्य न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण मिश्रा जी और इसके अलावा अधीक्षक केंद्रीय कारागृह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत जो ये डिजिटाइजेशन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके अंदर विधिक सेवा केंद्र के अंदर जितने भी वहाँ जेल के अंदर बंदी हैं उन सबका डिजिटाइजेशन करने का कार्य किया जाएगा और उसके अंदर जो प्रत्येक बंदी है, बंदी कौन सी तारीख पेशी पे कौन से न्यायालय में जा रहे हैं और उसकी आगे की क्या तारीख पेशी है, ये भी उस डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।